और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से आ रही है, जहां पर एक वकील की हत्या के बाद वकीलों ने, उसके साथी वकीलों ने हंगामा किया है, आगजनी की है। इलाहाबाद में वकील की हत्या के बाद ये बवाल हुआ है। हत्या से नाराज वकीलों ने बस में आग लगाई और कोर्ट में भी काम बंद कर दिया है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आगजनी की गई है इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में वकील की ये हत्या हुई थी, उसके बाद ये पूरा बवाल वहां पर मचा। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अपडेट है आपके पास? जी, ये सुबह वकील राजेश श्रीवास्तव कचहरी जा रहे थे, उस दौरान उनके सर में चटाकर दो गोलियां मारी गई, जिसमें उनकी मौत हो गई, जिससे नाराज अधिवक्ताओं ने कोर्ट में पहले काम काज खत्म किया, उसके बाद चक्का जाम किया और बवाल करते हुए उन लोगों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया। संदीप, ये जो वकील है, पुलिस का क्या कहना है? क्या कोई आपसी रंजिश का ये मामला है या कौन है वो हत्यावर, कुछ खुलासा हुआ है? पुलिस अभी जांच की बात कर रही है, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसमें पुलिस फिलहाल फौरी तौर पे जो बता रही है वो यही कह रही है कि हो सकता है कोई पुरानी रंजिश रही हो, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन इलाहाबाद में अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही एक भाजपा नेता को इसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था और आज एक वकील को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए।